ये देखिए हम लोग के दही भल्ले एकदम ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं कि नहीं, और दिखने में भी लाजवाब लग रहे हैं ना। इसका मैं आपको एक सीक्रेट मसाला सिखाऊंगा और साथ में बहुत सारे टिप्स इतना सॉफ्ट बनाने के लिए। और मेरे चटरों कैसे हो आप? आज हम लोग बनाएंगे रुई जैसे सॉफ्ट दही भल्ले। ये दही भल्ले इतने सॉफ्ट है कि आपके अगर दांत नहीं है फिर भी आप खा सकते हो। ये दही भल्ले का मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट मसाला भी सिखाऊंगा, और टिप्स एंड ट्रिक्स तो रहेंगे ही। तो रेसिपी शुरू करें। तो दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं दही बल्ले बनाने की। सबसे पहले तो हम लोग को उड़द दाल भिजानी पड़ेगी। मेरे पास यहाँ पर 1 कप सूखी उड़द दाल है, मतलब स्प्लिट उड़द दाल है, सफ़ेद उड़द दाल है। हम लोग इसको भिजा देंगे पानी में कम से कम 4 घंटे के लिए। उड़द दाल अच्छी तरह भीग जाती है तो ऐसे डबल हो जाती है दोस्तों। जब ऐसे डबल होकर तैयार है तब हम लोग क्या करेंगे, इसका पानी छान लेंगे और इस दही बल्ले के लिए दाल को पीस लेंगे। आप देख सकते हो कैसे मैं इसको एक मिक्सी के जार में डाल रहा हूँ अभी। मिक्सी के जार में डालने के बाद पीसते समय अगर आपको पानी डालना पड़े तो बिल्कुल ठंडा पानी इस्तेमाल करिएगा। आप पेस्ट देख सकते हो कैसा मैंने इसका एक पेस्ट बनाया है दोस्तों। ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, मतलब ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। इसको अब मैं एक मिक्सिंग बोल में निकाल लूँगा। पीसने के बाद इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है ना दोस्तों, देखने में बढ़िया लग रही है हम लोग की दाल। अब हम लोग इसको फेटेंगे, लेकिन फेटने से पहले एक बार मिक्स करके देखते हैं अपने हाथ से। ये दाल है ना एकदम भी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और एकदम भी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। अगर दाल थिक होगी, मतलब गाढ़ी होगी, तो आपके वड़े भी गाढ़े और थिक बनेंगे और कड़े बनेंगे। और अगर एकदम ज़्यादा ही गीली रहेगी पानी जैसी, तो आपके वड़े तेल पी लेंगे। तो आप देख सकते हो मैं इसमें कैसे थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ और इसको मिक्स कर रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि दाल मेरी है ना एकदम ज़्यादा ही गाढ़ी है। आप देख सकते हो कैसे, आपको ये चीज़ का ही ध्यान रखना है मेन, कि ये जो दाल है बिल्कुल कोलगेट जैसी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। अब इसको मैं एक बार अच्छी तरह पानी को मिला दिया हूँ। अब हम लोग इसमें डाल देंगे जीरा और नमक। जीरा मैं डाल रहा हूँ फ्लेवर के लिए, और नमक बिना तो भाई टेस्ट ही नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको फेटेंगे। ये दाल को आपको कम से कम 10 मिनट तक फेटना है, लेकिन एक ध्यान रखना कि एक ही डायरेक्शन में और सीधा ही फेटना। एक बार सीधा स्टार्ट कर दिया तो उल्टा मत फेट देना, जितनी भी हवा आपने डाली है फेट कर सारी निकल जाएगी। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह इसको फेंटने के बाद इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो चुका है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, दही भल्ले बनाएंगे। तो दोस्तों दही भल्ले बनाने के लिए मैंने एक छोटे बोल में पानी लिया है, उसमें मैंने मेरा हाथ एक गीला कर लिया ताकि दाल हम लोग के हाथ में ना चिपके। और हाँ, अगर आपको दही भल्ले में फिलिंग करनी है काजू किशमिश की तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक दही भल्ला बनाकर दिखाता हूँ। गीले वाले हाथ से आप थोड़ी सी दाल ले लीजिए वो हाथ में, और फिर उसमें एक किशमिश रख दीजिए या फिर काजू रख दीजिए या फिर 2-3 रख दीजिए। उसको ढक दीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से, और फिर आपका भल्ला तैयार है। अब आपको इसको बस तलना है तेल में। चलिए मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ। अगर आपने सब प्रोसेस अच्छी तरह किया है, मतलब दाल में अच्छी तरह पानी मिलाया है और उसको अच्छी तरह फेटा है, तो आपके दही भल्ले कितने अच्छे बनेंगे। आप देख सकते हो मैं कैसे थोड़ा थोड़ा दाल ले रहा हूँ और तेल में डाल रहा हूँ, और तेल बिल्कुल मीडियम गरम है दोस्तों। अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो तेल पिघलेगा, और ज़्यादा गरम होगा तो बाहर से पक जाएगा अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अगर अंदर से कच्ची रह गई आपकी दाल तो आपके दही भल्ले बहुत ही ज़्यादा कड़े बनेंगे दोस्तों। मैंने बहुत बार बनाए ये दही भल्ले, और ये मैंने अच्छी तरह नोटिस किया है कि अगर आपके दही भल्ले अंदर से थोड़े से भी कच्चे रह जाते हैं तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा कड़े और चिड्डे हो जाते हैं। तो आपको इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। दही भल्लों को फ्राई करने में थोड़ी टाइम तो लगेगी। आप देख सकते हो कैसे ये है ना गोल्डन हो चुके हैं पूरे अच्छी तरह। अब मैं इनको निकाल लूँगा। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको आप निकाल दीजिए एक टिश्यू पेपर में या फिर कोई भी एक प्लेट में, और इनको पूरा ठंडा होने दीजिए। अगर दही बल्ले आप गरम गरम पानी में डाल दोगे फिर भी वो चिड्डे हो जाएंगे। आप देख सकते हो मैंने कैसे दही बल्ले सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको एक खोल कर दिखाता हूँ। इसका टेक्स्चर देखिए दोस्तों, ये रुई जैसा सॉफ्ट है कि नहीं। अभी ये दही बल्ला थोड़ा गर्म है इसलिए मैंने इसको एक बार दबा दिया तो वही का वही रह गया।
इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल स्पॉन्ज बॉल जैसा हो जाएगा। आप देख सकते हो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको दबाता हूँ तो ये है ना एकदम स्पॉन्ज जैसे आगे पीछे हो रहा है। दही बल्ला बनकर तैयार है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको पानी पिलाएंगे। अगर पानी नहीं पिलाएंगे तो दही बल्ले कड़े ही रह जाएंगे। तो हम लोग इनको 3 बार पानी में धोएंगे। सबसे पहले तो मैं इसको एक बड़े मिक्सिंग बोल में डाल देता हूँ और इस बड़े मिक्सिंग बोल में हम लोग डाल देंगे बहुत सारा पानी। अभी मैं ले रहा हूँ लगभग 1 लीटर पानी। एक बार अच्छी तरह इन सभी को डुबा दीजिए और उसके बाद इनको रख दीजिए लगभग 10 मिनट के लिए कोने में। इससे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा तेल है ना दही बल्ले में वो सारा निकल जाएगा। ये प्रोसेस 2 बार करना है दोस्तों। तो 10 मिनट बाद क्या करना है आपको, सारे भल्लों को दूसरे मिक्सिंग बोल में निकाल लेना है और उसमें 1 और लीटर फ्रेश पानी डालना है। अभी मैं नुआया पानी मतलब ल्यूक वार्म मतलब गर्म पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा पहली बार भी आपको गर्म पानी ही लेना है, मैं बोलना भूल गया था। फिर से अब हम लोग इनको 10 मिनट के लिए रख देंगे कोने में। जब तक हम लोग के भल्ले है ना पानी में सारा तेल छोड़ रहे हैं, हम लोग दही तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 1 लीटर दही इस्तेमाल करी है। आप देख सकते हो एकदम ज़्यादा गाढ़ी दही है। अगर आपको ऐसी दही की रेसिपी सीखनी है तो मुझे ज़रूर बताना। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसमें चीनी डाल देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, आपको कभी भी चीनी और दही को मिक्सी में नहीं पीसना, नहीं तो वो पानी पानी हो जाएगी। चीनी को दही में मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चीनी इसके अंदर डाल देंगे और एक बार बस इसे चलाकर रख देंगे कोने में। मैं इसको फ्रिज में ही रख देता हूँ 1 घंटे के लिए। उससे क्या होगा, चीनी अपने आप ही पानी में मिल जाएगी, मतलब दही में मिल जाएगी। अब हम लोग के दही बल्ले में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा सारा मिक्सिंग बोल लेंगे। उसमें हम लोग एक छोटी कटोरी में कोयला रख लेंगे। हम लोग को अभी धुआर करना है दोस्तों। कोयले के ऊपर हम लोग डाल देंगे थोड़ी सी हींग। हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और हाजमा भी अच्छा रहता है। इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी और फटाफट इसको अब हम लोग ढक देंगे। ढकने के बाद आपको इसको लगभग 2 मिनट के लिए रखना है। 2 मिनट बाद फटाफट आप एक कोने से वो बाटी को हटा दीजिए जिसमें कोयला है और थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डाल दीजिए। हम लोग का धुआं वाला पानी बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे सारे दही भल्ले। आप देख सकते हो दही भल्ले का कलर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। गोल्डन थे उस टाइम, अभी हो गए ना क्रीम वाइट कलर के। दही भल्लों ने बहुत सारा पानी पी लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी निचोड़ कर वो धुएँ वाले पानी में डाल देंगे। सच बोलूँ तो बिना ये धुआर के दही भल्ले खाने का मज़ा ही नहीं आता है, तो आप भी ज़रूर ऐसे धुआँ देना। मैंने सारे दही बल्ले ये पानी में डाल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। मैंने यहाँ पर है ना भुना हुआ जीरा का पाउडर लिया है और साथ ही में थोड़ा सा नमक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देता हूँ और अब हम लोग को इसको ढक के रखना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि जो हम लोग के दही बल्ले हैं वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। मैं आपको एक तकनीक दिखाता हूँ फटाफट। आप इसमें क्या करिए, एक छोटी प्लेट रख दीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा सा वेट रख दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी सारे दही बल्ले हैं ना वो पानी में आराम से डूब जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, ये दही बल्ले इतने हल्के रहते हैं कि ऊपर तैरने लग जाते हैं। दोस्तों सब कुछ तैयार हो चुका है, बस एक चीज़ रह गई है, वो है दही भल्ले का मसाला। उसके बिना तो भाई दही भल्ले का मज़ा ही नहीं आता है। वो बनाने के लिए हम लोग एक तवा गरम करेंगे। जी हाँ, एक तवा, ये है ना मीडियम फ्लेम पर है तवा। इसमें हम लोग सबसे पहले तो भाई जीरा डाल देंगे। मैं यहाँ पर 3 चम्मच जीरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 1 चम्मच अजवाइन डाल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अजवाइन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पेट की सेहत के साथ साथ ज़बान की सेहत के लिए। मेरे बोलने का मतलब है कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है दोस्तों अजवाइन डालने से, तो आप भी ज़रूर डालना। ये एक सीक्रेट है जो बस कुछ ही जने डालते हैं और जो डालते हैं उनके दही बल्ले तो भाई एकदम लाजवाब रहते हैं। अब इन दोनों को हम लोग अच्छी तरह रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर, जब तक जीरा थोड़ा थोड़ा भून ना जाए। ये स्टेप को कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगी लो फ्लेम पर।
हम लोग का जीरा बहुत ही अच्छी तरह भून कर तैयार है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। अब मैं क्या करूँगा, गैस बंद कर दूंगा और इसमें डाल दूंगा पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर ऑप्शनल है दोस्तों। इसके बाद हम लोग इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, उसी के साथ साथ काला नमक, काली मिर्च, सफ़ेद नमक और आखिर में चाट मसाला। ये सारे मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह मिलाइए इन सभी को। ये सारे मसालों की क्वांटिटी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हो। लगभग 2 मिनट चलाने के बाद हम लोग का दही भल्ला मसाला बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे एक चॉपिंग बोर्ड में। इसको पीसना है दोस्तों। जब ये पूरा ठंडा हो जाता है तब हम लोग इसको पीस लेंगे बेलन के साथ। आपके पास अगर सिलबट्टा हो तो आप उसमें पीसिएगा, मेरे पास तो नहीं है इसलिए मैं आज बेलन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप देख सकते हो कैसे मैं ये मसाले को बेल रहा हूँ। यही स्टेप से हम लोग का खड़ा मसाला पाउडर बन जाएगा। हम लोग का दही भल्ला मसाला तैयार है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। मेरे को बस 3 या 4 मिनट लगी होगी लेकिन टेस्ट इसका एकदम लाजवाब रहेगा दोस्तों। तो ट्राई ज़रूर करना ये घर में बनाना। मेरे पास पहले का भी थोड़ा बहुत दही भल्ला मसाला पड़ा था तो वो भी मैं इसमें डालकर मिला देता हूँ। आप ये मसाले को फ्रिज में 2 महीने तक रख कर रख सकते हो। वैसे तो ये दही भल्ला मसाला आप ये कोई भी दही की चाट में डालकर इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं ना। चलिए अब हम लोग दही भल्ले बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हम लोग ने जो दही में चीनी मिलाई थी वो पूरी घुल चुकी है। मैं इसको एक बार ऐसे चलाकर दिखाता हूँ आपको। देखने में हम लोग की दही बिल्कुल बढ़िया लग रही है। मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ। दही बिल्कुल ही मीठी होनी चाहिए। अगर दही मीठी नहीं है तो आप थोड़ी और चीनी डाल लेना। आप देखिए टेक्सचर दही का। ये दही आप अगर ऐसे भी खाओगे तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। चलिए दही को रखते हैं कोने में और हम लोग जाते हैं हम लोग के दही भल्ले के पास। फटाफट वो कटोरी और प्लेट हटा लेते हैं और देखिए हम लोग के दही भल्ले डबल हो चुके हैं साइज़ में। देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। एक दो मैं आपको दबाकर और तोड़कर भी दिखाता हूँ। ये देखिए पूरे स्पॉन्ज बॉल लग रहे हैं ना। ये लोग ने बहुत सारा पानी भी पी लिया है। चलिए अब मैं आपको बिल्कुल बाजार जैसे या फिर एकदम रुई जैसे सॉफ्ट दही बल्ले बनाने सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको है ना दही बल्ले निकालने हैं, पानी नहीं निचोड़ना है दही बल्लों से। बस ऐसे एक बार टच करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। मैं सर्व करने के लिए अभी है ना पत्ते की प्लेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब पत्तल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 4-5 दही बल्ले रख दिए हैं। अब दही बल्ले बनाने के लिए इसके ऊपर वो बहुत सारी दही डालिए। देखने में अभी मज़ेदार लग रहा है कि नहीं। दही बल्ले फटाफट सर्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी हरी चटनी, नहीं तो कृपा तो आएगी नहीं। तो कृपा लाने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह हरी चटनी डालिए इसके ऊपर। और फिर इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे खजूर इमली की चटनी, मतलब वो खट्टी मीठी चटनी जो होती है वो डाल देंगे। और फिर इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे अब दही भल्ले का मसाला। बिल्कुल अच्छी तरह दही भल्ले का मसाला छिड़कीए दोस्तों और फिर सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको इसके ऊपर सेव पसंद है या फिर भुजिया पसंद है या फिर अनार पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हो। बहुत जने इसमें बीट रूट अदरक भी डालते हैं। ये देखिए दही बल्ले एकदम ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं कि नहीं। जितने दिखने में टेस्टी लग रहे हैं खाने में उससे कहीं ज़्यादा है दोस्तों। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। स्पेशली जो हम लोग ने अजवाइन का मसाला और हींग का धुआर किया है ना, उससे तो ये टेस्ट भाई कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। हम लोग के दही बल्ले एकदम बढ़िया बने हैं ना, तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना। जो हम लोग ने धुआर किया है कोयले और हींग का, साथ में जो अजवाइन का मसाला बनाया है ना, एकदम काबिले तारीफ़ है। और साथ में मैंने जो खजूर और इमली की चटनी डाली है, पूछिए ही मत। अगर आपको खजूर इमली की चटनी सीखनी है तो मुझे बताइए, मैं एक वीडियो बनाता हूँ चटनियों का। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन होगा, उसको क्लिक करना। उसके बगल में फिर एक घंटी आ जाएगी, उसको भी एक बार क्लिक करना। उससे क्या होगा, आपके फ़ोन में घंटी बजेगी जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ। और हाँ, फेसबुक में देख रहे हो तो कुकिंग शुकिंग को फॉलो ज़रूर करना। बाय बाय।